चोट पहुंचाई जा रही है, इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सोनिया जी बोलती, क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है। और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म या सनातन नित नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर, चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, दयानिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए किसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम का सनातन धर्म यह संदेश देता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा।